हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अपडेट है, कृषि पर्यवेक्षक और अन्य वैकेंसियाँ जिनका रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड डिक्लेयर करने वाला है, उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप। आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दी है। यहाँ पे देखिए, मनोज कुमार जी, इन्होंने पूछा है आलोक राज जी से कि यदि चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिलती है तो फिर जो वैकेंसियाँ जिनका रिजल्ट आना है वो कब तक आएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया है कि रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया सेंसिटिव मैटर होने की वजह से रिजल्ट्स बनाकर कई दिनों तक रखे नहीं जा सकते। हम पूरी तैयारी किए हुए हैं, रिजल्ट 5 या 6 जून से डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे और प्रयास होगा कि जून के आखिर तक सभी रिजल्ट घोषित कर दें। तो ये क्या होगा कि अपने जून का जो महीना है उसमें आचार संहिता हट जाएगी। यदि चुनाव आयोग परमिशन भी नहीं देता है तो आपके जून का जो महीना है उसमें सभी वैकेंसियों का आपके रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक हो या फिर अन्य कोई भी जो भी वैकेंसी है उसका रिजल्ट आपके जून के एंड तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।